प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के एमए हिंदी कार्यक्रम के इस पाठ्यक्रम अभिविन्यास परामर्श सत्र में आप सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर रुचि वाजपेयी इस राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्या शाखा के अंतर्गत आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विषय है हिंदी और आज हम लोग एमए हिंदी के अंतर्गत एक प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य से संबंधित जो है MAHI 106 या MAHI 02 ओल्ड की चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पाठ्यक्रम का शीर्षक हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास है। आज के सत्र में केवल साहित्य के इतिहास पर बात होगी। इस पेपर के अंतिम दो खंड जो हिंदी भाषा पर हैं उनकी चर्चा यहाँ पर ना होकर भाषा विज्ञान हिंदी भाषा एवं लिपि नामक प्रश्न पत्र MAHI 103 या MAHI 03 ओल्ड के अंतर्गत की जाएगी। चूँकि यह प्रश्न पत्र हिंदी के पूरे साहित्य से संबंधित है इसलिए इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, लेकिन इतना अधिक समावेशी होने के कारण इस पाठ्यक्रम से प्राप्त ज्ञान का उपयोग एमए के अन्य पाठ्यक्रमों में भी हो सकता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न और व्याख्याएं चाहे जिस प्रश्न पत्र की हों इस पाठ्यक्रम में सीखे गए ज्ञान का उनमें महत्वपूर्ण प्रयोग हो सकता है। अब मैं स्लाइड पर दिखाई देने वाले इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को इसके विभिन्न खंडों और इकाइयों को बताते हुए आपको कैसे पढ़ना है इसके विषय में चर्चा करती जाऊंगी। ध्यान रखिए कि आप लोग स्वाध्याय आधारित दूरस्थ व मुक्त अधिगम प्रणाली के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इसमें दिन प्रतिदिन कक्षाएं नहीं होती हैं, उसकी जगह शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन सामग्री प्रेषित की जाती है। केवल कठिनाई निवारण के लिए ही परामर्श सत्रों का प्रावधान है। अधिन्यास प्रश्न पत्र हल करते समय आप इन सब निर्देशों को ध्यान में रखेंगे और अधिन्यास आपको समय पर पूरा करना है। यह एक अनिवार्य कार्य आपको दिया गया है। इससे आपको SLM को एक बार पलटने और पढ़ने का अवसर मिलेगा और जो समस्याएं आपको अधिन्यासों में आएंगी उनका समाधान परामर्श सत्रों के माध्यम से किया जाएगा। लेक्चर में जो न समझ में आए उसके बारे में आप लोग मोबाइल पर या YouTube लेक्चर के कमेंट बॉक्स पर पूछ कर भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए अब डालते हैं पाठ्यक्रम पर एक नज़र। इसमें आप देख रहे होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सर्वप्रथम है साहित्य इतिहास लेखन के विविध पक्ष यथा काल विभाजन, नामकरण, हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों की साहित्यिक चेतना और संवेदना के आधार क्या रहे हैं आदि के बारे में आपको जानना है। क्रमशः आप देखते जाइए, काल विभाजन और नामकरण के बाद आदिकाल की पृष्ठभूमि, सिद्धनाथ और जैन साहित्य, रासो काव्य एवं लौकिक साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य, इसके अंतर्गत हैं निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्यधारा, निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य, रीतिकालीन साहित्य जिसके अंतर्गत रीतिकालीन कविता की पृष्ठभूमि है, फिर उसका स्वरूप है, इसके बाद आधुनिक काल के साहित्य की पृष्ठभूमि, उसके अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, आधुनिक साहित्य, उत्तर छायावादी कविता है इसके अंतर्गत, प्रगतिशील साहित्य है, प्रयोगवाद और नई कविता है, समकालीन कविता है, इसके पश्चात आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हिंदी कथा साहित्य आपके पाठ्यक्रम में है, हिंदी नाट्य साहित्य, हिंदी आलोचना, निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं, और इसके बाद एक चूंकि उर्दू और हिंदी भाषाओं का जो खड़ी बोली और उर्दू का जो विकास है समानांतर हुआ है इसलिए उर्दू साहित्य का परिचय और उससे संबंध को भी आपको अध्ययन करना है। अंत में सप्तम खंड भारतीय आर्य भाषाओं पर और भारोपीय परिवार और भारतीय आर्य भाषाओं के संबंध में है, आगे संस्कृत से अपभ्रंश तक आधुनिक आर्य भाषाएं और हिंदी, फिर हिंदी भाषा का विकास, हिंदी के बढ़ते चरण, देवनागरी लिपि, ये सब आपको अध्ययन करना है। तो इतिहास का अध्ययन करते समय सुविधा की दृष्टि से यदि हम इस पूरे पाठ्यक्रम को तीन भागों में बांट लें तो हम सुविधानुसार अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला भाग आप देखिए, इसका पहला भाग हिंदी साहित्य के उद्भव से लेकर रीतिकाल तक हम लोग रख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्लाइड में। दूसरा भाग आधुनिक साहित्य, इसके अंतर्गत भारतेंदु युग से उत्तर छायावाद तक हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा भाग प्रगतिशील काव्य से लेकर आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य तक हम लोग रख लेते हैं। तो अब सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास पर पहले भाग से शुरू करते हैं। तो किसी भी साहित्य के सम्यक मूल्यांकन में हम सभी जानते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि साहित्य जो होता है वो समाज से निरपेक्ष नहीं रह सकता। किसी काल का जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिदृश्य होता है उसके आधार पर ही उस काल के साहित्य और उसकी साहित्य धाराएं, उसके कवि इत्यादि रचनाओं में प्रवृत्त होते हैं।
साहित्य के इतिहास में साहित्य की विकासमान परंपरा, उसके उद्भव से लेकर आज तक की स्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। साहित्य का इतिहास केवल रचनाओं और रचयिताओं का परिचय मात्र ही नहीं है, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों का विवेचन विश्लेषण भी जरूरी होता है। साहित्य इतिहास साहित्य की विकासशील परंपरा का उद्घाटन करता है और इस क्रम में नए और पुराने के संघर्ष को भी रेखांकित करता चलता है। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न आंदोलनों, परिवर्तनों और नवीन प्रयोगों के संबंध का भी विवेचन किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याओं पर, जो काल विभाजन और नामकरण है, साहित्य का मूल्यांकन, ये साहित्य इतिहास लेखन की समस्याएँ हैं। इसका मूल यह है कि साहित्य का इतिहास लिखते समय इतिहासकार सामग्री का संकलन करता है, समग्र इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांटता है और उसका नामकरण करता है, और अंत में वह विभिन्न प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करता है। तो इस क्रम में उसके सामने कई कठिनाइयां आती हैं, जैसे किसी साहित्य को जब बांटा जाता है विभिन्न युगों में या उसका नामकरण करना होता है, तो पहले उस ये सोचेगा, इस बात पर विचार करेगा कि किस साहित्य और साहित्यकारों को आधार के रूप में ग्रहण किया जाए, मतलब किन किन को लिया जाए। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, हिंदी से क्या तात्पर्य है, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का एक अंग माना जाए या पूर्व पीठिका के रूप में इसकी चर्चा हो, मध्यकाल को दो हिस्सों में बांटा जाए या नहीं, आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाए, इन कालों का सही नाम क्या होना चाहिए आदि, इन मुद्दों पर हिंदी के विभिन्न इतिहासकारों और समीक्षकों के भिन्न भिन्न मत हैं। मूल्यांकन की भी समस्या हिंदी साहित्य या किसी भी साहित्य के इतिहास में आती है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास में रचना के अतीत और वर्तमान को एक दूसरे से अलग करके नहीं रखा जा सकता। रचना के अतीत और उसकी आज के संदर्भ में सार्थकता, दोनों पर इतिहासकार को विचार करना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को अगर हम देखें तो गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु इत्यादि कुछ प्रारंभिक प्रयत्नों के बाद हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर रामविलास शर्मा तक इतिहास लेखन की एक विकासशील परंपरा दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जहां युगीन परिस्थितियों पर बल दिया है, वहीं आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा का आधार लिया है, लेकिन उनकी दृष्टि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विरोधी नहीं है बल्कि उनकी पूरक है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख समस्या काल विभाजन और नामकरण की है। काल विभाजन और नामकरण के कई आधार हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर, शासक और शासनकाल के आधार पर, साहित्यकारों के आधार पर उनके योगदान से संबंधित, राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर, साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर, राजनेताओं के आधार पर कई प्रकार से काल विभाजन, कई प्रकार से युगों का नामकरण होता है। लेकिन जो भी हो, काल विभाजन और नामकरण विवेक सम्मत होना चाहिए। काल विभाजन का आधार साहित्यिक प्रवृत्ति होना चाहिए, नामकरण भी साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार किया जाना चाहिए। ऐसा अगर संभव ना हो तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति को भी आधार बनाया जा सकता है। युगों की सीमा का निर्धारण मूल प्रवृत्तियों के शुरू होने और अस्त होने पर आधारित होना चाहिए। हिंदी साहित्य में प्रचलित काल विभाजन पर अब हम चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास कब से आरंभ होता है, इसके बारे में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान हिंदी और अपभ्रंश को एक मानते हुए हिंदी का आरंभ 7वीं शताब्दी से स्वीकार करते हैं। दूसरे वर्ग के विद्वान अपभ्रंश से हिंदी को अलग मानते हुए 10वीं शताब्दी के बाद से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत को स्वीकार करते हुए निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से हुआ है। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का साहित्य अपभ्रंश से भिन्न भाषा का साहित्य है। वस्तुतः इसमें हिंदी की आधुनिक बोलियों के पूर्व रूप की झलक मिल जाती है। इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के सभी प्रयत्नों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सबसे अधिक मान्य है, जिसके अनुसार हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों के नाम और उनका समय इस प्रकार है: आदिकाल या वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल, और इनकी समयावधि भी लिखी हुई है। देखिए, आप ध्यान दीजिए, संवत में लिखा हुआ है। संवत और ईस्वी सन में जो अंतर है वो आप जान लीजिए कि विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष पहले से आरंभ होता है, अतः संवत से ईस्वी सन निकालने के लिए 57 घटाकर और ईस्वी सन से संवत निकालने के लिए 57 जोड़कर गणना करते हैं। आधुनिक काल के जो अवांतर विभाजन है उनमें भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति भक्ति बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए इस नामकरण पर सभी विद्वान सहमत हैं। संपूर्ण आधुनिक काल को कभी कभी गद्य काल की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में खड़ी बोली गद्य की शुरुआत और विकास इसी युग में हुआ। तो इस प्रकार आपके सामने हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का परिदृश्य स्पष्ट हो गया है। आगे इस प्रश्नपत्र में प्रत्येक युग, उसकी परिस्थितियों, साहित्य रूपों, कवियों तथा साहित्यकारों के नाम तथा कृतियों
उनके विभिन्न युगों में काव्य या साहित्य के विषय या भाव पक्ष, जिन्हें वस्तुगत विशेषताएं भी कहते हैं, तथा शैलीगत विशेषताएं, जिसे कला पक्ष अथवा शिल्पगत विशेषताएं कहा जाता है, इन सभी का आप लोगों को इस प्रश्न पत्र में अध्ययन करना है। किसी युग विशेष के साहित्य की और उस युग में किसी विशेष कवि या साहित्यकार की देन का अध्ययन भी आपके इस प्रश्न पत्र का विषय है। इसके लिए हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं के स्वरूप को समझना और हिंदी में उन विधाओं के उद्भव और विकास का परिप्रेक्ष्य भी जानना होगा। वस्तुतः साहित्य के किसी युग के समग्र मूल्यांकन तथा साहित्यकारों के अलग अलग मूल्यांकन के लिए भी ये सभी बातें जाननी जरूरी हैं कि क्या लिखा गया, क्यों लिखा गया, युगीन परिस्थितियाँ क्या थीं, काव्य या साहित्य रूप क्या हैं, किन विषयों को आधार बनाया गया है, शैलीगत विशेषताएं क्या रही हैं। ये सभी तथ्य युगों के संदर्भ में भी स्पष्ट होने चाहिए और अलग अलग कवियों लेखकों के संदर्भ में उनके योगदान के मूल्यांकन के रूप में भी। हिंदी साहित्य के आदिकाल की पृष्ठभूमि पर देखते हैं, ये अपभ्रंश से संबंधित है। अपभ्रंश की काव्य प्रवृत्तियों को अगर हम नहीं जानेंगे तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की पृष्ठभूमि हम नहीं समझ सकते। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अंतिम कड़ी और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी है। हिंदी भी उन्हीं में से एक है। इसीलिए हिंदी साहित्य को समझने के लिए अपभ्रंश साहित्य को समझना जरूरी है। अपभ्रंश के कवियों में स्वयंभू और पुष्पदंत के नाम उल्लेखनीय हैं। ये जैन कवि हैं जिन्होंने पौराणिक कथानकों को लेकर प्रबंधात्मक रचनाओं या चरित काव्यों का प्रणयन किया। स्वयंभू का पौमचर्यु तथा पुष्पदंत का महापुराण भारतीय साहित्य के अनुपम ग्रंथ हैं। अन्य कवियों में जोइंदु, रामसिंह, हेमचंद्र, शालीभद्र, अब्दुल रहमान, सरह और कर्ण आदि उल्लेखनीय हैं। अपभ्रंश के कवियों ने चरित काव्य, गीति काव्य, विरह काव्य, रहस्य प्रधान कविता तथा कथा काव्य लिखे हैं। हिंदी के चरित काव्यों पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो आदि में अपभ्रंश के चरित काव्यों की झलक मिलती है। इसी प्रकार सिद्ध और नाथ कवियों की रचनाएं निर्गुण संत काव्य की पृष्ठभूमि का आभास देती हैं। अपभ्रंश के शृंगारिक दोहों को हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने उत्कर्ष प्रदान किया। आदिकाल में बीसल देव रासो और ढोला मारूरा दुहा अपभ्रंश के संदेश शासक की तर्ज पर लिखी गई रचनाएं हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से ही नहीं बल्कि अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से भी अपभ्रंश साहित्य ने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। हिंदी साहित्य अपभ्रंश साहित्य का ऋणी है। अपभ्रंश की चौपाई हिंदी में भी काव्यगत अभिव्यक्ति का लोकप्रिय माध्यम बनी, जैसे कि जायसी और तुलसीदास के काव्य में हम देखते हैं। और हिंदी में गेय पदों की जो लंबी परंपरा है, सूरदास का सूरसागर, तुलसी की गीतावली, विनय पत्रिका आदि गेय पदों में रचित हैं, तो अपभ्रंश में भी गेय पदों में कविता लिखी जाती थी। सिद्धों के चर्या पद वस्तुतः गेय पद ही हैं। तो इस तरह से चाहे शैली में ले लीजिए या विषय में, अपभ्रंश का दाय हिंदी को मिला है और उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और अपभ्रंश की प्रमुख कथानक रूढ़ियों को भी हिंदी कवियों ने ग्रहण किया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में अपभ्रंश साहित्य का अत्यधिक महत्व है। अब आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को एक नज़र देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय संवत 1050 से संवत 1375 माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी साहित्य का यह आरंभिक काल भारतीय राजनीतिक जीवन के विश्रृंखल होने का काल है। सम्राट हर्षवर्धन, जिसका समय 606 से 647 ईस्वी का है, उसके समय से ही भारत की राजनीतिक शक्ति का विखंडन शुरू हो गया था। आदिकाल राजनीतिक असंतुलन, विघटन और अव्यवस्था का युग था। यह अनेक हिंदू राजपूत राजाओं का शासनकाल था। उत्तर भारत में 9 राजवंश और दक्षिण में 4 राजपूत वंश शासन कर रहे थे। संगठित शक्ति के अभाव में आपसी फूट, कलह और विलासिता के कारण भारतीय शक्ति ध्वस्त होती जा रही थी। समय समय पर यवनों के आक्रमणों का सामना देश को करना पड़ रहा था। धार्मिक अराजकता ने सामाजिक जीवन को आडंबरपूर्ण बना रखा था। जनता शासन और धर्म दोनों से निराश्रित होती जा रही थी। युद्धों में उन्हें बुरी तरह पीसा जा रहा था। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पराजय और मोहम्मद गोरी की विजय के बाद उसके एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। इस प्रकार से विदेशी तुर्क शासकों का शासनकाल, जिसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, उसकी स्थापना से लेकर खिलजी वंश तक का समय हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत आता है। सामाजिक दृष्टि से ये दो संस्कृतियों के आपसी आदान प्रदान का समय भी है। इस काल के अधिकांश कवि राज्याश्रित थे। युद्धों के वातावरण ने राजाओं को अतिरंजनापूर्ण राज प्रशस्ति से भरे हुए वीर गाथात्मक काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस युग में वीर भक्ति और श्रृंगार के साथ साथ धार्मिक, लौकिक और नीतिपरक साहित्य भी लिखा गया। चंदबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा, गोरखनाथ, अब्दुल रहमान, दलपति विजय, नरपति नाल, जगनिक आदि इस काल के प्रमुख कवि हैं। भाषा की दृष्टि से यह अपभ्रंश से हिंदी के विभिन्न रूपों के विकास का युग था। इस काव्ययुग में भाषा के डिंगल और पिंगल दो रूप मुख्य माने जाते हैं। एक पर राजस्थानी का प्रभाव अधिक है, दूसरे पर ब्रज भाषा का। इस विविध रूपी साहित्य के काल का नामकरण इसलिए प्रवृत्ति के आधार पर सही ना होकर काल के आधार पर सही ठहरता है। आदिकाल नामकरण में आदिकालीन हिंदी काव्य की सभी प्रवृत्तियों और मनोभावों को समाहित किया जा सकता है। अब भक्तिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि और काव्यधाराओं पर एक नज़र डालते हैं।
हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल का समय संवत 1375 से 1700 माना जाता है। राजनीतिक दृष्टि से यह भारत में मुस्लिम शासकों का युग था। पहले दिल्ली सल्तनत के तुर्क शासकों तुगलक वंश, सैयद तथा लोधी वंश का शासन रहा। फिर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। विदेशी आक्रमण और नए शासक वंश की स्थापना से परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। इस काल में हिंदू समाज में धर्म के क्षेत्र में बहुत अव्यवस्था व्याप्त थी। जाति पाति और आडंबरों के कारण समाज बिखरा हुआ था। भारतीय जनता चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान तत्कालीन सामंत वर्ग से परेशान थी। कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार से उनमें आत्मसम्मान के भाव का उदय हुआ। शहरी विकास के फलस्वरूप व्यापार की उन्नति हुई। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास शुरू हुआ। भक्ति आंदोलन इन्हीं स्थितियों के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ। भक्तगणों ने, जिनमें अधिकतर निम्न वर्ग के थे और किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े थे, समाज सुधार का आंदोलन इन लोगों ने शुरू किया। इन्होंने ऐसे भक्ति का मार्ग दिखाया जिसमें हृदय पक्ष को महत्वपूर्ण स्थान मिला। मनुष्य मनुष्य की एकता का प्रतिपादन, ऊंच नीच और जाति पाति का विरोध इनकी विचारधारा के प्रमुख स्वर रहे। विदेश से आई धार्मिक विचारधारा ने भी भक्ति साहित्य को प्रभावित किया। सूफी संप्रदाय ने प्रेम को आधार बनाया। सूफी कवियों ने भारत में प्रचलित लौकिक कथाओं को आधार बनाकर रचनाएं की। इस काल में समाज में धर्म के क्षेत्र में अव्यवस्था व्याप्त थी। पंडित और मौलवी धर्म की मनमानी व्याख्या करके हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को परस्पर विरोधी बना रहे थे। हिंदुओं में अनेक मत मतांतर प्रचलित थे जिनके कारण लोग धर्म के सच्चे स्वरूप को भूलकर व्यर्थ के कर्मकांड, अंधविश्वास और पाखंडों में फंसकर धर्म की पोषक शक्ति से वंचित हो गए थे। ऐसे समय में समाज को किसी समन्वयवादी दर्शन और आचार पद्धति की आवश्यकता थी जो जीवन की सहज अनुभूति पर आधारित हो। दक्षिण में भक्ति की जिस परंपरा का 10वीं शताब्दी के आसपास विकास हुआ, वह रामानुजाचार्य, निम्बार्क, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी के मतों के विकास के रूप में उत्तर भारत में अनेक रूपों में पुष्पित पल्लवित हुई और भक्ति आंदोलन ने एक अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण किया। इन आचार्य ने मूलतः शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध किया क्योंकि वह जीवन को सत्य नहीं मानता और भक्ति में विश्वास नहीं करता। दक्षिण भारत के इन आचार्यों ने ऐसे दर्शन का प्रचार किया जिसमें भगवान को भक्ति और प्रेम के माध्यम से पाया जा सकता है। भक्ति में जाति पाति और ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता। अहंकार का त्याग करके भगवान के प्रति सच्ची आत्मसमर्पण से मनुष्य उन्हें प्राप्त कर सकता है। भक्तिकालीन हिंदी कवियों में जिन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप को अपनाया वे निर्गुण मार्ग के अनुयायी माने गए और जिन्होंने सगुण रूप की उपासना का मार्ग अपनाया वे सगुण मार्गी कहलाए। निर्गुणवादियों में भी जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति के साधन रूप में ज्ञान को अपनाया वे ज्ञानाश्रयी और जिन्होंने प्रेम को अपनाया वे प्रेमाश्रयी कहलाए। सगुण मार्गों में जिन्होंने भगवान के लोक रक्षक रूप को अपनाया वे रामाश्रयी और जिन्होंने लोक रंजक रूप को अपनाया वे कृष्णाश्रयी शाखा से संबद्ध माने गए। भक्तिकाल के चार सर्वाधिक प्रमुख कवि कबीर, जायसी, तुलसी और सूरदास क्रमशः इन्हीं ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी काव्यधाराओं के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। कृष्ण काव्यधारा में मीराबाई का अन्यतम स्थान है। भक्ति आंदोलन में नारी चेतना का प्रादुर्भाव उन्हीं के माध्यम से हुआ। उपेक्षित नारी वर्ग को सजग करने में सामंती चेतना के प्रति मीरा की विद्रोह भावना की अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्तिकाल के सभी कवियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से सामाजिक समरसता लाने का प्रयास किया। इन लोगों ने दिग्भ्रमित लोक जीवन में आस्था और विश्वास के स्वर फूंके और उसे जीवन से प्रेम करना सिखाया। उन्होंने बताया कि ईश्वर प्रेम और सदाचरण के माध्यम से व्यक्ति ऐहिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। आज जीवन के वर्तमान संदर्भों में भी भक्तिकालीन लोक जागरण की यह चेतना हमें दिशाबोध प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है। ईश्वर नाम की महिमा, गुरु महिमा, भक्ति भावना, अहंकार का त्याग और आत्मसमर्पण की भावना, आडंबर का खंडन, सामाजिक समानता की स्थापना का प्रयास, विश्व मैत्री, करुणा और अहिंसा का प्रतिपादन, राजाश्रय का तिरस्कार, लोक मंगल की भावना, शांत रस की सुंदर योजना आदि भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं हैं। भावों की उदात्तता, महती प्रेरकता, समन्वय की भावना और कला पक्ष की समृद्धि आदि सभी दृष्टिकोणों से भक्तिकाल हिंदी कविता का स्वर्णयुग कहा जाता है। वस्तुतः भारतीय लोकमानस में व्याप्त विविधताओं को भक्ति संबंधी एक अंतः प्रेरणा के सूत्र में बांध कर उनमें भावात्मक एकता स्थापित करने में हिंदी के भक्त कवियों का अपूर्व योगदान रहा है। इसीलिए भक्ति काव्य को लोक चेतना का काव्य कहा जाता है। इस काल में जन सामान्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति उन्हीं की जानी पहचानी भाषा और भावबोध में हुई है। रीतिकालीन हिंदी काव्य धाराएं और उनके वैशिष्ट्य पर हम लोग चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु यानी 1707 ईस्वी के बाद देश की केंद्रीय सत्ता का प्रभाव कम होने लगा। जगह जगह सामंत अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। उनके जीवन में वैभव और विलासिता का प्रभाव बहुत अधिक हो गया था, तो रीतिकालीन काव्य प्रायः राजदरबारों में रचा गया। इसीलिए तत्कालीन सामंती परिवेश का उस पर पूरा प्रभाव पड़ा है। इस काल के काव्य को तीन धाराओं में विभाजित किया जा सकता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराएं। और इस रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं अगर सामान्य तौर पर देखी जाएं तो रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, राज प्रशस्ति, भक्ति और नीति संबंधी रचनाएं, प्रकृति वर्णन, रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा,
रीति इतर काव्य धाराएं जैसे हास्य व्यंग विनोद काव्य धारा, प्रेम काव्य धारा जो सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की धारा थी, और इसके अलावा राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखाएं जो भक्ति काल में प्रचलित थी उनकी भी विभिन्न रचनाएं समानांतर रूप से होती रही हैं इस काल में। तो रीति इतर साहित्य भी एक पर्याप्त परिमाण में रचा गया, लेकिन प्रधानता इसमें श्रृंगार भावना की थी रीति काल में। वो एक तरफ तो रीतिबद्ध कवियों में भी हमें दिखाई देता है और रीतिमुक्त कवि भी प्रेम की स्वच्छंद अभिव्यक्ति अपने काव्य में करते हैं। तो रीतिबद्ध काव्य से तात्पर्य एक विशिष्ट शैली की रचनाओं से है जिनमें काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण की बंधी बंधाई परिपाटी में काव्य रचना की गई। यह परंपरा हिंदी में संस्कृत काव्यशास्त्र से ग्रहण की गई है। रीति काव्य के आचार्य कवियों ने काव्यांगों यानी रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण रचे और उनके नीचे उदाहरण के रूप में स्वरचित छंद प्रस्तुत किए। रीति काव्य के प्रायः सभी कवियों जैसे केशव, देव, पद्माकर, बिहारी, भूषण, सेनापति आदि ने इसी पद्धति पर कविता लिखी। इनमें भी कई तरह के आचार्य कवि हुए हैं जिनकी मूलतः दो श्रेणियां हम लोग कर सकते हैं। एक तो सर्वांग निरूपक आचार्य जिन्होंने काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन और जो काव्यांग हैं उन सभी का विस्तृत विवेचन किया, और दूसरे विशिष्टांग निरूपक जिन्होंने इनमें से किसी एक काव्यांग को लेकर या दो काव्यांगों को लेकर विस्तृत विवेचन किया और लक्षण लक्ष्य पद्धति पर काव्य रचना की, जैसे महाकवि भूषण, मतिराम आदि अलंकार निरूपक आचार्य हैं। यदि रस छंद अलंकार को स्वतंत्र रूप से लें तो रीतिबद्ध कवियों के मुख्यतः चार वर्ग हो जाएंगे: सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और छंदो निरूपक आचार्य। सर्वांग निरूपक आचार्यों में चिंतामणि, देव, भिखारीदास, रसिक गोविंद आदि हैं। रस निरूपक आचार्यों में रसलीन, पद्माकर, बेनी प्रवीण और मतिराम के नाम उल्लेखनीय हैं, और अलंकार निरूपक आचार्यों में जसवंत सिंह, मतिराम, भूषण और पद्माकर प्रमुख हैं। छंदो निरूपक आचार्यों में मतिराम, सुखदेव मिश्र, राम सहाय और माखन आदि कवियों की चर्चा की जाती है। यद्यपि भक्ति और नीति संबंधी कविताएं भी इस युग में लिखी गईं, और जो अभी मैंने बताया कि और भी काव्य धाराएं चलती रहीं जो भक्ति काल से चली आ रही थी, लेकिन मूल चेतना श्रृंगार की रही। और उपर्युक्त जो कवि हैं इनके अतिरिक्त लक्षण लक्ष्य पद्धति से मुक्त रहकर रीति मुक्त कवि अपने हृदय के उद्गारों को स्वच्छंद भाव से प्रस्तुत करने वाले कवि हैं। इनमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। रीति काव्य का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जैसा था, जिस प्रकार की साहित्यिक रुचियां उस समय प्रचलित थीं, उसी पृष्ठभूमि में यह साहित्य प्रवृत्त होता है। उस दरबारी संस्कृति में जहाँ उस कविता को फारसी काव्य से प्रतिस्पर्धा करनी थी, उसका कलावादी, चामत्कारिक और शिल्प प्रधान हो जाना स्वाभाविक था। उस समय काव्यांगों के लोक भाषा में शिक्षण की आवश्यकता थी, लोक जीवन को भौतिकता से जोड़ने की आवश्यकता थी, कवियों को राजाश्रय मिला हुआ था। इन सभी बातों ने मिलकर इस काव्य का स्वरूप रचा है। आलोचकों ने अपनी अपनी दृष्टि से रीति काव्य की समीक्षा की है। इसमें दो दृष्टियां दिखाई देती हैं। एक दृष्टि है कि रीति काव्य में व्यापक जीवन के दृश्य कम आए हैं, इसका परिप्रेक्ष्य केवल श्रृंगार तक सीमित रह गया है और अन्य भी जो विषय हैं उनके वर्णन में परिपाटीबद्धता है। दूसरी दृष्टि रीति काव्य की ऐहिक चेतना, अकुंठ प्रेमाभिव्यक्तियों, कलात्मक चित्रण, काव्यशास्त्रीय योगदान आदि की दृष्टि से इसकी प्रशंसा करती है। वैसे अगर देखा जाए तो रीति काव्य जैसी कलात्मक प्रतिबद्धता अन्य किसी काल की कविता में नहीं मिलती, इस दृष्टि से यह कविता का स्वर्णयुग है। संस्कृत साहित्य की समग्र विश्लेषण रीति का पूरा निरूपण हिंदी काव्य में केवल रीति काव्य में मिलता है। संस्कृत का कुछ भी नहीं छूटा है जो रीति काव्य में ना आया हो। संस्कृत काव्यशास्त्र की पुनरावृत्ति में मौलिकता भी है, क्योंकि शास्त्र परंपरा का है लेकिन कविता मौलिक है। रीति काव्य में भौतिकता के प्रति गहरा अनुराग रहा है, इसलिए इस काव्य में ऐन्द्रिकता के आधार पर आधुनिक चेतना की व्याप्ति मानी जा सकती है। प्रेम चित्रण मानव मात्र का बल्कि प्राणी मात्र का मूल भाव है। यह वर्णन हर युग में अपने तरीके से होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। हर रचना की अपनी एक रचना पद्धति होती है, उसके अनुसार रचनाकार अपनी कृति को गढ़ता है। रीति काव्य में प्रेम निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर हुआ है। साहित्यिक रचना को पढ़ने के लिए अंतर्दृष्टि का निर्माण जरूरी है। आश्रयदाता की प्रशंसा तो कवि करेगा ही, घोर श्रृंगारिकता को केंद्र में रखकर इस काल को खारिज नहीं किया जा सकता। श्रृंगार तो रसराज है, भक्ति में भी उसकी व्याप्ति है। रीति काव्य में संस्कृत के काव्यशास्त्रीय अनुवाद को आचार्य शुक्ल ने जूठन वाला कहा है, लेकिन यह रीति काल की बहुत बड़ी देन भी है। नहीं तो हिंदी अपने को संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा से जोड़ कर ना रख पाती, वह सब कुछ पीछे छूट जाने से बचा लिया गया। रीति काव्य हिंदी साहित्य का एक ऐसा काव्य है जिस पर महत्वपूर्ण ढंग से पुनर्विचार होना चाहिए। भक्ति काल की दृष्टि पारलौकिक रही, यह लौकिकता को प्रश्रय नहीं मिला। रीति काव्य की दृष्टि पारलौकिकता को छोड़कर कुंठा मुक्त भाव से जीवन की लौकिकता का वर्णन करती है। इस काव्य ने कविता को जीवन से जोड़ा। कहा गया है कि यह दरबारी काव्य है, इसका लोक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन
राजाश्रित कवियों के अलावा बहुत से ऐसे कवि भी थे जिन्हें राजाश्रय के लिए संघर्ष करना पड़ा था। अपनी स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण कवि लोग राजाश्रय भी बदलते रहते थे, वे स्वतंत्र चेता होते थे। सभी कवियों ने अर्थ के लिए राजस्तुति नहीं की है। बिहारी, देव, बोधा आदि ने अपने आश्रयदाताओं की उनके सामने निंदा भी की है। जैसे बोधा कहते हैं, बोधा कवि नीति को निबेरो यही भांति अहे, आपको सराहे ताहि आपहु सराहिए। दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए। इसके अतिरिक्त रीति काव्य में परिवेश भले ही सामंती हो, लेकिन बिंब और उपमान सामान्य जीवन से लिए गए हैं। उनमें ग्रामीण लोक जीवन रचा बसा है। पद्माकर के होली वर्णन ने अपने में एक मिसाल कायम की है। जब उनकी गोपिका कहती है, इसके बारे में पद्माकर लिखते हैं, नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी। घोर पराजय के उस युग में समाज के अभिशप्त जीवन में सरसता का संचार करके अपने ढंग से इन कवियों ने समाज का उपकार किया। जीवन की उष्णता से थके मनुष्य को सरस काव्य की भी उतनी ही आवश्यकता है, तो यह कैसे कहा जाए कि यह रीति काव्य हिंदी कविता का महत्वपूर्ण युग नहीं है। रीति काव्य में गृहस्थ जीवन की सकारात्मक भूमि भी विद्यमान है। यूरोपीय आधुनिकता से भिन्न देशज आधुनिकता का विकास इस समय निरंतर हो रहा था। वस्ता हर युग की कविता का अपना एक परिवेश होता है, उसे पढ़ने और उसके रसास्वादन का अपना एक तरीका होता है, उस योग्य मानसिक संस्कार की आवश्यकता होती है। रीति काव्य को भी इसी के अनुसार देखना, पढ़ना और समीक्षित किया जाना चाहिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी अब तक हमने पाठ्यक्रम के इस पहले भाग की चर्चा की है। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न पत्र के अगले भागों की तरफ, जो कि ये हैं, आधुनिक हिंदी काव्य जिसका समय प्रारंभ सन 1857 ईस्वी की क्रांति के आसपास से माना जाता है, उसको विभिन्न उप शीर्षकों के अंतर्गत हम इस प्रकार रख सकते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, समकालीन कविता। इस तरह से आप देखिए और युगों के जो समय अवधि है वो भी यहाँ निर्देशित की गई है। तो इन सभी विभिन्न जो युग हैं आधुनिक के अंतर्गत जो अवांतर विभाजन है, उसके प्रमुख कवियों, काव्य प्रवृत्तियों और योगदान पर आपको अध्ययन करना है। मैं यहाँ केवल कुछ संकेत देती चल रही हूँ। हिंदी की विभिन्न गद्य विधाओं के विकास के संबंध में हम जानते हैं कि आधुनिक काल में हिंदी की गद्य विधाओं का विकास हुआ। इस दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी गद्य की विकासात्मक पृष्ठभूमि, उसमें विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों का योगदान, फिर विभिन्न गद्य युगों, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग, तत्पश्चात स्वातंत्र उत्तर युगों में गद्य की विविध विधाओं के विकास पर आपको अध्ययन करना है। और इसके साथ साथ हिंदी खड़ी बोली और उर्दू भाषा दोनों का साथ साथ विकास हुआ था, इसलिए दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। अतः हिंदी साहित्य के विकास के अंतर्गत उर्दू भाषा के साहित्य के उद्भव और विकास की चर्चा भी थोड़ी बहुत करनी आवश्यक है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि में 1857 की क्रांति एक बड़ी प्रेरक शक्ति रही है। भारत का इतिहास साक्षी है कि इस क्रांति के संस्कारों ने ही भारतीयों में निरंतर स्वाधीनता के लिए संघर्ष की शक्ति फूंकी और अंत में ब्रिटिश दासता से मुक्ति पाई। अंग्रेजी राज्य के प्रचार प्रसार, उसकी विविध नीतियों और विचार दृष्टियों ने साहित्य को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया। आधुनिक शब्द कालवाचक अधुना अव्यय से बना है, जिसका अर्थ है इस समय, अर्थात संप्रति या वर्तमान काल। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ 19वीं सदी के मध्य से माना जाता है। यह साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से वर्ण, विषय, रूप, विधा आदि में पर्याप्त भिन्न है। आधुनिकीकरण की इस दृष्टि में वैज्ञानिकता थी, लोक संप्रति थी और तर्कसंगत व्यवहार था। यही आधुनिक प्रवृत्तियाँ इस युग के साहित्य को रीतिकाल से पृथक करती हैं। आधुनिक चेतना तथा तर्कसंगत वैज्ञानिकता की अभिव्यक्ति गद्य भाषा में सक्षमता से हो सकती थी। अतः हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में काव्य के साथ साथ गद्य विधाओं की भी प्रभूत परिमाण में रचना हुई। अनेक गद्य विधाओं का उद्भव और विकास इस काल में हुआ। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रतिष्ठा होने के कारण आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। हालांकि आधुनिक काव्य की एक सुदीर्घ परंपरा रही है और वह आज भी प्रगतिमान है। सांस्कृतिक जागरण की दृष्टि से भी यह आधुनिक युग अत्यंत महत्वपूर्ण युग कहा जा सकता है। अतीत के माध्यम से वर्तमान समस्याओं को अभिव्यक्त किया जाने लगा। ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार, भारत में शिक्षा की नवीन प्रणाली, पाठ्य पुस्तकों के सृजन, मुद्रण सुविधाओं के तथा पत्रकारिता के विकास ने हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य के विकास को गति प्रदान की। गद्य के विकास को भी विभिन्न साहित्यिक रूपों में देखें तो नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, समालोचना, गद्य काव्य, जीवनी, यात्रावृत्त, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र साहित्य, भेंट वार्ता, इंटरव्यू, अनुवाद तथा रिपोर्टाज आदि का आधुनिक काल में विकास हुआ। इन सब का संक्षिप्त परिप्रेक्ष्य भी आपको ज्ञात होना चाहिए। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अनेक आधुनिक कारणों से और परिस्थितियों से आधुनिक काल में खड़ी बोली का पहले गद्य और फिर काव्य की भाषा के रूप में विकास हुआ।
वैसे तो गद्य लेखन प्राचीन काल से होता चला आ रहा था, लेकिन मुद्रण सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ इसका चलन बढ़ता गया और गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास हुआ। मध्यकाल में ब्रजभाषा साहित्यिक भाषा थी और भाव और विचार की अभिव्यक्ति के लिए इसका प्रयोग होता था। ब्रजभाषा सीमित क्षेत्र की भाषा थी, लेकिन सीमित क्षेत्र जो ब्रज है वहीं पर ब्रजभाषा गद्य का प्रणयन हुआ। इसका इस क्षेत्र के बाहर विकास नहीं हो पाया, इसलिए गद्य की क्षमता का भी इसमें विकास नहीं हो पाया। और उधर खड़ी बोली तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण निरंतर विकसित होती गई। 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने लगी थी। जब खड़ी बोली का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में शुरू हुआ तो फारसी मिश्रित खड़ी बोली से बोलचाल की एक नई शैली का जन्म हुआ। इस नई शैली को हिंदुई, हिंदवी, रेखता और आगे चलकर उर्दू का नाम दिया गया। शायरों ने इसमें शायरी करनी आरंभ की। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखीं। अमीर खुसरो के बाद खड़ी बोली का विकास दक्षिण के राज्यों में हुआ। दक्षिणी हिंदी के रूप में वहाँ 14वीं से 18वीं शती तक अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें गद्य रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार से दक्षिणी हिंदी में लगातार गद्य साहित्य का विकास होता रहा और उसने हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मुगल साम्राज्य के विघटन ने खड़ी बोली के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खड़ी बोली मुगलों की संपर्क भाषा हो गई थी। जब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई तो विशाल साम्राज्य को संगठित रखने की शक्ति बाद के किसी शासक में नहीं रही, तो दिल्ली, आगरा आदि पश्चिमी शहरों के स्थान पर लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि पूर्वी शहर समृद्ध हो चले और व्यापार की भी उन्नति वहाँ होने लगी। तो इन व्यापारियों के साथ खड़ी बोली विस्तार पाती गई और धीरे धीरे उसमें गद्य की क्षमता का विकास हो गया और गद्य रचनाओं का प्रणयन होने लगा। तो हिंदी गद्य के विकास के और भी कारण हैं, जिनकी पहले भी मैंने चर्चा की है कि ईसाई धर्म प्रचार के कारण हिंदुस्तानियों में अपनी अस्मिता की जो चेतना उपजी उसके कारण हिंदी का विकास हुआ। नवीन आविष्कारों के कारण, मुद्रण सुविधाओं के विस्तार के कारण और नए ढंग की शिक्षा प्रणाली जिसमें पाठ्य पुस्तकें निर्मित की गई हिंदी की, उसके कारण विस्तार हुआ। समाज सुधार आंदोलनों में जो हमारे चिंतक थे जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, श्रद्धाराम फुल्लौरी और हमारे समाज सुधारक रहे, समाज सुधार के कार्यों को उन्होंने जब जनता में अपने विचारों को उस रूप में रखा तो उन्होंने हिंदी का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से हिंदी के विकास को गति मिली। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जब स्थापना हुई तो वहाँ के हिंदी विभाग में चार भाषा मुंशियों को रखा गया जिन्होंने हिंदी की पाठ्य पुस्तकें तैयार की। आप नाम जानते ही होंगे, मुंशी सदासुख लाल, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र और लल्लू लाल जी। इसके अलावा हिंदी के विकास में और भी जिन व्यक्तियों का योगदान रहा उनमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, जिनमें से सितारे हिंद जी की भाषा उर्दू प्रधान खड़ी बोली थी और लक्ष्मण सिंह जी की संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली थी। तो उस समय में ये विवाद चल रहा था हिंदी और उर्दू में कि ये खड़ी बोली की एक तरह से दो शैलियाँ थीं, लेकिन आगे जाके अंग्रेज़ों ने इसे सांप्रदायिक विद्वेष हिंदुओं और मुसलमानों में उत्पन्न करने का कारण बनाया और तब इस प्रकार की भाषा नीतियाँ अपनाई गईं कि हिंदी और उर्दू को अलग अलग करने की उन लोगों ने ठानी। इसके कारण उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाने लगा और हिंदी के लिए देवनागरी लिपि निर्धारित हुई और इस भाषा विवाद के कारण हमारी राजनीति पर भी बहुत असर हुआ और आज इन भाषाओं का स्वरूप एक दूसरे से काफ़ी अलग इसलिए हो गया क्योंकि इनके पीछे की जो सांस्कृतिक परंपरा है और जिन समुदायों की अस्मिता से ये जुड़ी हुई हैं और लिपि के कारण जो इनमें अंतर आ गया है उसके कारण अंतर है, नहीं तो इनकी जो मूल भाषाई संरचना है हिंदी और उर्दू की उसमें कोई अंतर नहीं है और लिपि के कारण इसमें अंतर हुआ है। हिंदी के प्रचार प्रसार और इसमें खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन लोगों का योगदान है उसमें भारतेंदु का नाम सबसे प्रमुख है। उन्हीं की हिंदी की सेवाओं को सम्मानित करते हुए इस युग को भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई जो हिंदी साहित्य का युग सन 1850 के आसपास से शुरू होता है, आधुनिक युग। तो भारतेंदु के प्रभाव से एक ऐसी लेखकों की मंडली बनी जो हर लेखक उनमें से कोई ना कोई पत्र निकालते थे, हिंदी का साहित्यिक पत्र निकालते थे और इन लोगों ने विभिन्न विधाओं का हिंदी साहित्य में विभिन्न गद्य विधाओं का विकास किया। भारतेंदु युग में समय इन विधाओं को इन विधाओं का प्रारंभिक रूप था और भाषा और विधाओं का प्रौढ़ रूप द्विवेदी युग में आगे जाकर और निखरा। भारतेंदु युग में यद्यपि गद्य की भाषा खड़ी बोली थी फिर भी कभी कभार खड़ी बोली में पद्य की रचना भी होती थी। द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों की रचना खड़ी बोली में बहुत अच्छे प्रकार से होने लगी। तो भारतेंदु युग में जो भाषा परिष्कार का और विषय विस्तार का कार्य रह गया था
उसको द्विवेदी युग ने संपन्न किया, और इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी नामक प्रतिभा संपन्न और युगांतरकारी व्यक्तित्व का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा के परिमार्जन का महत्वपूर्ण कार्य किया। आधुनिक हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में सरस्वती पत्रिका का अप्रतिम योगदान है। और भारतेंदु युग में भारतेंदु जी ने अपने समय में अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिनमें कवि वचन सुधा, हरिश्चंद मैगजीन और हरिश्चंद चंद्रिका का नाम उल्लेखनीय है। द्विवेदी युग में सरस्वती का योगदान हम देखते हैं। युग और समाज की ज़रूरतों के अनुकूल साहित्य रचने के लिए द्विवेदी जी ने लेखकों में प्रेरणा जगाई। उन्होंने साहित्य को समाज से बेहतर ढंग से जोड़ने का प्रयास किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती के माध्यम से अनेक लेखक प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल आदि का साहित्य जनता तक पहुँचा। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद, निबंध के क्षेत्र में बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, आलोचना के क्षेत्र में भी रामचंद्र शुक्ल इसी युग की देन थे। इसके अतिरिक्त कुछ और नई विधाएं जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण आदि का भी लेखन इस युग में शुरू हुआ। नाटक, उपन्यास और कहानी, निबंध, आलोचना इत्यादि की महत्वपूर्ण रचनाओं का द्विवेदी युग में प्रणयन हुआ। और इसके बाद प्रेमचंद और उसके बाद हम देखते हैं गद्य साहित्य में अनेक कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय रचनाएं प्रणीत की गई। यद्यपि प्रेमचंद द्विवेदी युग से ही लिख रहे थे, लेकिन उनकी अनेक कहानियां और उपन्यास शुक्ल युग में या प्रेमचंद युग में प्रकाश में आए। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियों की रचना की। इनकी कहानियों में विषय की विविधता है। समाज एवं परिवार की किसी न किसी समस्या को इन्होंने अपनी कहानियों का आधार बनाया है। उपन्यास के क्षेत्र में इनकी रचनाएं इतनी उत्कृष्ट हैं कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से अभिहित किया जाता है। उन्होंने देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का एक विराट फलक पर चित्रण किया है। प्रेमचंद युग में और उनके बाद उपन्यास साहित्य को समृद्धि प्रदान करने वाले अन्य उपन्यासकारों में आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, विश्वंभरनाथ शर्मा, कौशिक, इलाचंद जोशी, बेचन शर्मा, उग्र, निराला, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, यशपाल, नागार्जुन, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद के समकालीन जयशंकर प्रसाद ने नाटकों में एक नयापन और अलगाव प्रदर्शित किया। उन्हें युग प्रवर्तक नाटककार माना जाता है। इनके नाटकों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति की गौरवमयी झांकी प्रस्तुत की और राष्ट्रीय चेतना जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रसाद के बाद नाटक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों में जगदीश चंद माथुर और मोहन राकेश इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं। आधुनिक युग में समय की कमी के कारण एक ही अंक में समाप्त होने वाली नाट्यविधा एकांकी का आविर्भाव हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को इसका जनक माना जाता है। प्रेमचंद के बाद साहित्य की प्रत्येक विधा में बहुत कुछ लिखा गया। नाटक, एकांकी, उपन्यास और कहानी के समान निबंध, आलोचना और गद्य की अन्य विधाओं में भी पर्याप्त प्रगति हुई। निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके निबंधों ने हिंदी निबंध साहित्य को नया जीवन दिया है। हिंदी के अन्य निबंधकों में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बाबू गुलाब राय, वासुदेव शरण अग्रवाल, सदगुरु शरण अवस्थी, शांतिप्रिय द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय आदि प्रमुख हैं। निबंध के समान आलोचना के क्षेत्र में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। शुक्ल जी के बाद आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद गुप्त, नामवर सिंह आदि के नाम लिए जा सकते हैं। प्रेमचंद और उसके बाद उनके बाद के साहित्य पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि युगीन परिस्थितियों का प्रभाव इस अवधि के साहित्य पर पड़ा है। वर्षों के संघर्ष के बाद सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। देश की राजनीति में यह महान परिवर्तन था जिसने साहित्य पर काफ़ी प्रभाव डाला। दूसरी ओर पश्चिम में जो वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी थी उसका असर भी धीरे धीरे भारतीय जनमानस पर पड़ रहा था और जीवन में परिवर्तनों के साथ साथ नई गद्य विधाओं जैसे यात्रा वृत्त, डायरी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज आदि में लेखन शुरू हुआ। तो ये तो गद्य की स्थिति, खड़ी बोली गद्य की विभिन्न विधाओं के बारे में हम लोगों ने देखा। खड़ी बोली कविता की दृष्टि से भारतेंदु और द्विवेदी युग आरंभिक युग माने जाते हैं। इनमें इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कविता मुख्य रूप से रही है और वर्णनगत स्थूलता के कारण सूक्ष्म सौंदर्य चेतना का समाहार उतना नहीं हो पाया जितना छायावादी कविता में। भाव, भाषा शैली और शिल्प की दृष्टि से छायावादी काव्य युग परिपूर्णता का युग है। हिंदी कविता का यह वह युग है जो प्रथम महायुद्ध के आसपास से शुरू हुआ। छायावाद ने भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा को आत्मसात करते हुए काव्य की नवीन भावभूमियों का संस्पर्श किया है। छायावाद नाम का सबसे पहले प्रयोग 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में श्री मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद एक विशेष भावात्मक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण का परिचायक है जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना होती है तथा प्रकृति को मानवीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि छायावाद एक व्यापक और बहुमुखी काव्य प्रवृत्ति है जो सन 1920 से लेकर 1936 तक रही। इसे आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहते हैं।
हिंदी के छायावादी काव्य की मूलभूत प्रवृत्ति आधुनिक औद्योगिक प्रगति से प्रेरित व्यक्तिवाद है। इसके अंतर्गत मध्ययुगीन संस्कारों से युक्त भारतीय समाज और व्यक्ति के बीच व्यवधानों विरोध को वाणी मिली है। विषय वस्तु की खोज में कवि बाहर नहीं अपने मन के भीतर झांकता है, लेकिन छायावादी कवि का मैं प्रत्येक प्रबुद्ध भारतीय का मैं है। इसी कारण वह आत्म केंद्रित नहीं है, उसमें व्यापक संप्रेषणीयता है। वस्तुतः छायावादी काव्य में स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के जो स्वर विद्यमान हैं, उन्होंने व्यक्तिवादी भावनाओं को असामाजिकता के झटके से बचा लिया है। इस अर्थ में छायावादी काव्य यूरोपीय स्वतंत्रतावादी काव्य से श्रेयस्कर है। छायावाद की मुख्य प्रेरणा मानवीय एवं सांस्कृतिक है। इसके अतिरिक्त इस काव्य पर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गांधी, टैगोर तथा अरविंद जैसे मनीषियों की विचारधाराओं का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप छायावादी कवियों ने समाज की जर्जर मान्यताओं को अमान्य ठहराया। काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ। छायावादी युग में आधुनिक खड़ी बोली की कविता पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त हुई। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा आदि इस युग के प्रमुख कवि हैं। द्विवेदी युग से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा भी छायावाद के समानांतर और बाद में प्रगतिवादी काव्य के साथ भी चलती रही, जिसके प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, द्वारिका प्रसाद सक्सेना, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर आदि हैं। छायावाद उत्तर काल में प्रेम और मस्ती के काव्य के रूप में रोमांटिक काव्य का भी एक खेमा रहा, एक धारा चली, जिसके अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, शिवमंगल सिंह सुमन, नरेंद्र शर्मा आदि महत्वपूर्ण कवि रहे। सन छायावादी कविता अपनी सूक्ष्मता के कारण जब भाव जगत और कल्पना लोक की वस्तु हो गई, तो प्रतिक्रिया स्वरूप नए कवियों ने कल्पना लोक को त्याग कर धरती के वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण आरंभ किया। इस नई प्रवृत्ति के फलस्वरूप साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित जो कविता हिंदी में लिखी गई, उसे प्रगतिवाद का नाम दिया गया। इस काव्यधारा के उल्लेखनीय कवि हैं सुमित्रानंद पंत, निराला, दिनकर, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन आदि। सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयन अज्ञेय के संपादकत्व में सात कवियों की रचनाओं से युक्त प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी कविता में प्रयोगवाद काव्य आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। यहां से हिंदी कविता में विषय, भाषा आदि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने की प्रवृत्ति आरंभ हुई, इसीलिए इसे प्रयोगवाद का नाम दिया गया। दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ और तीसरा 1959 में, लेकिन इसी बीच सन 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता नामक संकलन के प्रकाशन से नई कविता युग का प्रारंभ माना जाता है। सन 1960 के आसपास हिंदी कविता अपने समय के साथ जुड़कर विभिन्न समकालीन संदर्भों की प्रभावी संपृक्ति के कारण समकालीन कविता कहलाई। समकालीन कविता में विभिन्न वादों और धाराओं के कवि क्रियाशील हैं। प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता धारा के अनेक कवि से जुड़े हुए हैं। निराला, अज्ञेय, मुक्तिबोध, धूमिल, त्रिलोचन, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, गिरिजा कुमार माथुर आदि अनेक कवि हैं। उपर्युक्त सभी तार सप्तकों के अनेक समकालीन कवियों के नाम भी इसके अंतर्गत लिए जा सकते हैं। समकालीन कविता अनेक वर्गों, धाराओं, चेतनाओं एवं दृष्टियों में फैली हुई विशाल नदी के समान है, जिसमें जितने कवि उतने ही विचार, चिंतन और उतनी ही दिशाएं हैं, इसीलिए इसको किसी सीमा में बांधना असंभव है। फिर भी हिंदी के प्रगतिवादी कवियों की विशेषताओं के आधार पर समकालीन हिंदी कविता की वस्तु एवं शिल्पगत विशेषताओं को समझा जा सकता है। व्यक्ति स्वातंत्र्य की खोज, कविता में रूपवाद, भीतरी और बाहरी संघर्ष का काव्य, कविता में निम्न मध्यवर्गीय जीवन, प्रकृति के साहचर्य की कविता, भौतिकवाद की कविता, अर्थ और मूल्य की खोज, जिज्ञासा और कुंठा का काव्य, राजनीतिक चेतना का काव्य, वर्ग विभाजन की कविता, अराजक विद्रोह की कविता, सकारात्मक विद्रोह की कविता, अमूर्तनता का खतरा आदि समकालीन कविता की विशेषताएं हैं। वास्तव में समकालीन साहित्य सिर्फ साहित्य न रहकर देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्त क्षेत्रों में अपनी दखल रखने वाला प्रहरी बन गया है। भिन्न भिन्न वादों, टकरावों और मतभेदों के बावजूद आज समकालीन हिंदी कविता अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ती जा रही है। अब एक नज़र हम लोग डालते हैं हिंदी और उर्दू के आपसी संबंध पे। उर्दू के उद्भव विकास को भी थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहले ये देखें कि हिंदी शब्द, जिसे हम अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं, तो ये शब्द कहाँ से आया। ईरानी लोग जब आए पश्चिमोत्तर भारत से, तो वो सिंध के जो बाद का क्षेत्र था उसको हिंद कहते थे, क्योंकि वो सा को हा बोलते थे। तो जब वे लोग भारत आए तो उन्होंने भारत देश को हिंद कहा। उस समय हिंदी शब्द भाषा के लिए नहीं, हिंद के निवासियों के लिए प्रयोग किया जाता था। जैसा कि सारे जहाँ से अच्छा में आप देखते हैं, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी शब्द हिंद के निवासियों के लिए प्रयुक्त होता था। भाषा के लिए हिंदी शब्द बहुत बाद में प्रयुक्त हुआ। 13वीं शताब्दी तक आधुनिक आर्य भाषाओं का युग प्रारंभ हो चुका था। अमीर खुसरो ने हिंदवी के साथ साथ हिंदी शब्द का भी प्रयोग किया है। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग दक्कनी का मशहूर कवि सबरस का रचनाकार मुल्ला वजह ही करता है। यह 17वीं शताब्दी ईस्वी की बात है। इस भाषा के लिए जबाने हिंदी,
हिंदवी, हिंदुई ही नहीं रेख्ता नाम भी है। इसी भाषा में फारसी के मिश्रण से नई साहित्यिक भाषा का उदय हुआ जो आगे चलकर उर्दू कहलाई, जिसे फारसी लिपि में लिखा जाने लगा। खड़ी बोली हिंदी भाषा जब संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त नागरी लिपि में लिखी गई तो वो खड़ी बोली हिंदी कहलाई लिखी जाने लगी और इसका यह स्वरूप हिंदी कहलाया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी शब्द आधुनिक अर्थ में स्थापित हुआ। धीरे धीरे हिंदी और खड़ी बोली समानार्थी शब्द बनते गए। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी विभाग के प्राध्यापकों द्वारा खड़ी बोली हिंदी और नागरी लिपि में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी किया गया। उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। 14वीं शताब्दी के आसपास खड़ी बोली दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने लगी थी और इसी बोली से आगे चल के जब ये गुलाम वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली दरबार जब दौलताबाद में स्थापित हुआ तो यही भाषा जो खड़ी बोली थी दिल्ली के आसपास की, यह जब दक्षिण में गई तो दक्षिणी हिंदी के रूप में इसका विकास हुआ। और मुगल जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने जो यहाँ की भाषा अपनाई उसमें उस समय की खड़ी बोली में मुगलों की दरबारी भाषा फारसी का मिश्रण हुआ और यही भाषा उनके बाजारों में प्रचलित थी। तो इस भाषा का मूल ढांचा खड़ी बोली का था लेकिन इसमें जो शब्द थे वो अरबी फारसी की बहुलता थी। तो ये भाषा आगे जाके उर्दू कहलाई। पहले इसे जबाने उर्दू मुअल्ला कहा जाता था। तो दक्षिण में जब दक्षिणी के कवियों ने इस भाषा में सृजन कार्य शुरू किया तो प्रारंभ में इसे जबाने उर्दू मुअल्ला ही कहा जाता था और उर्दू के प्रारंभिक शायरों मीर सौदा और दर्द के समय में भी इसका यही नाम प्रचलित था। लेकिन 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उर्दू हिंदी से अलग एक विशिष्ट भाषा के रूप में प्रचलित हुई और इसका नाम उर्दू प्रचलित हुआ। निष्कर्षता, आज उर्दू भाषा एक अलग भाषा के रूप में है और उसकी मूल संरचना जैसा कि हम जानते हैं खड़ी बोली के समान है लेखन के स्तर पर, लेकिन दोनों में अंतर है। हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। इन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से अलग भाषाएँ माना जाता है। इनका साहित्य अलग है, साहित्यिक परंपरा अलग है और प्रयोजनमूलक स्वरूप भी अलग होता जा रहा है, लेकिन यह अंतर प्रारंभिक रूप से लिपि के अंतर के कारण बढ़ा है। हालांकि स्वतंत्रता के पूर्व उर्दू और हिंदी प्रमुखता साहित्य और जनसंपर्क की भाषाएं थीं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे इनमें अलगाव बढ़ता गया। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी और उर्दू का विकास समानांतर होने के कारण इन दोनों में बहुत गहरा पारस्परिक संबंध और अन्योन्याश्रयता है, जिसके कारण इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आपके हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी इस प्रश्न पत्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अभी हम लोग इसकी 3 भागों में बांट के चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें हिंदी साहित्य के उदय से लेकर विभिन्न काव्य युगों और आधुनिक काल में काव्य के साथ साथ खड़ी बोली गद्य का विकास तथा काव्य भाषा के रूप में भी खड़ी बोली का परिप्रेक्ष्य, हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं का उद्भव विकास आदि सभी इस प्रश्न पत्र की परिधि में आ जाते हैं। इन सबको समेटते हुए और भाषा संबंधी बाद के 2 और खंडों को लेकर मैंने इस पूरे प्रश्न पत्र पर दीर्घ एवं लघु प्रश्न भी बनाए हैं जिनके आधार पर आप पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। तो आइए इन प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। इन सब का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ तक तो हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्न हैं। अब MAHI 106 या MAHI 2 ओल्ड के इस पाठ्यक्रम के लिए सत्रांत परीक्षा प्रश्न पत्र के 2 नमूने भी यहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं जिनका फोटो कैप्चर करके आप रख सकते हैं और अपनी तैयारी में आपको इनसे भी मदद मिलेगी। तो आज के इस सत्र में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएँ।